तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DBMS के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, इसके टाइप को डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक टाइप पे एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली यूज़ हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी टेबल को अरेंज करना है या फिर ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके जो रिडंडेंसी होती है, जो उसकी कम्प्लेक्सिटी होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। तो यही इसमें पॉइंट कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फील्ड एंड टेबल ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस टू अवॉइड द डेटा अपडेट एनोमलीज, मिनिमाइज द रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंट ऑफ द डेटा। वही वर्ड जो कि हमने कहा, जो भी कम्प्लेक्सिटी होती है उसको रिड्यूस करने में ये मदद करता है। अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन डिवाइड द लार्ज टेबल टू ए स्मॉलर टेबल, यानी ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो डिफाइन करता है जो आपके बड़े टेबल्स होते हैं उनको एक स्मॉलर टेबल में डिफाइन करता है, उसको कैटेगराइज करता है, डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि नॉर्मल फॉर्म आर यूज टू रिड्यूस रिडंडेंसी फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, यानी जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए, जो रिडंडेंसी होती है उनको रिड्यूस करने के लिए डेटाबेस टेबल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के हमें नॉर्मल फॉर्म को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, उसका प्रोसीजर जानेंगे। देन अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग सेकेंड NF को जानेंगे, जिसे हम लोग सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म को, देन उसके बाद जो आपका बॉयज कोल्ड नॉर्मल फॉर्म होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे शॉर्ट में BCNF कहते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, देन उसके बाद आपका फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग जान लेते हैं कि आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है फ्रेंड कि द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म स्टेट दैट कैन एट्रीब्यूट, जिसे हम लोग एट्रीब्यूट को कॉलम कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। जो टपल्स होते हैं, टपल्स का मतलब रो होता है और एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम होता है। ऑफ अ टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यू, यानी जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये होता है कि जब आपका जो एट्रीब्यूट है किसी भी टेबल का, वो क्या करे, होल्ड नहीं कर सकता मल्टीपल वैल्यूज़ को। यानी जैसे मान लीजिए कि क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर आपका 1 आ गया, तो ये मल्टीपल टाइम्स आया है, तो इस चीज़ को ये क्या कर सकता है, क्या करता है, होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इट मस्ट होल्ड ओनली द वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट, यानी प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, उसी को ये चीज़ क्या करेगा, होल्ड कर पाएगा। सो द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड देयर कम्बिनेशन आर नॉट अलाउड इन द 1NF। यानी इस यही कारण है कि जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट और उसके जो कम्बिनेशन होते हैं वो अलाउ नहीं होते 1NF के अंदर। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, तो ये क्या है, आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो फ्रेंड, इसी के अंदर आपका आता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज, जिसका जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी इसका हम यूज़ करते हैं जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस और रिडंडेंसी फ्रॉम डेटाबेस, यानी ये क्या करता है, जो रिडंडेंसी होता है उसको रिड्यूस कर रहा है डेटाबेस के से। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट मीन्स दैट If there is only one possible value of y for every value of x, then y is functionally dependent on x. यदि मान लीजिए कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक वैल्यू है किसी वैल्यू y के लिए, प्रत्येक वैल्यू x के लिए, तो जो आपका y होगा वो फंक्शनली क्या होगा, डिपेंडेंस होगा x पे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे टेबल में आपको दिख रहा होगा। इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि 2NF इज़ बेस्ड ऑन द फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी जो आपका हम डिस्कस करेंगे, जो आपका जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वो जो है वो फुली क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी पे वर्क करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ टर्म्स होते हैं जिनका यूज़ होता है हमारे इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो पहला आपका आता है प्राइमरी एट्रीब्यूट, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि इफ़ एन एट्रीब्यूट इज़ द पार्ट ऑफ की, देन डैट एट्रीब्यूट इज़ कॉल्ड एज द प्राइम एट्रीब्यूट, यानी यदि कोई एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी पार्ट होता है किसी भी की का, तो वो एट्रीब्यूट क्या कहलाता है, प्राइम एट्रीब्यूट कहलाता है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ एन एट्रीब्यूट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ की, देन दैट एट्रीब्यूट
दैट एट्रीब्यूट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यानी जब आपका कोई एट्रीब्यूट है वो पार्ट नहीं होता किसी की का, तो वो जो एट्रीब्यूट कहलाता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका सैलरी है। तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, आपका रोल नंबर, नेम और एड्रेस हो जाएंगे, और प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे आपके, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, और नॉन प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे आपके एट्रीब्यूट जो है डेट ऑफ बर्थ और सैलरी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप के, तो पहला आपका आता है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। पहला इसमें पॉइंट कह रहा है कि अब डिपेंडेंसी ए इज टेंस टू बी इन अ रिलेशन स्कीमा आर इज सेड टू बी अ फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी इफ रिमूवल ऑफ एनी एट्रीब्यूट फ्रॉम ए रिजल्ट इन द डिपेंडेंसी नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर। यानी एक स्टेटमेंट है आपके पास जो दिया हुआ है, आप इसको देख के इजिली समझ सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। तो इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि वी कैन से डेट बी इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। इसका मतलब ये है कि जो बी है वो फुली किस पे डिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है। अब दूसरा स्टेटमेंट भी आपके सामने मौजूद है जिसमें एडी है वो टेंस टू सी है, और उस चीज़ के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद आपका आता है पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इसमें कह रहा है कि डिपेंडेंसी ए टेंस टू बी इन अ रिलेशन स्कीमा आर इज सेड टू बी अ पार्शियल डिपेंडेंसी इफ रिमूवल ऑफ एनी एट्रीब्यूट फ्रॉम ए एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टिल एग्जिस्ट एंड वी कैन से डैट बी इज़ अ पार्शियली डिपेंडेंट ऑन ए। यानी जो बी होगा वो क्या होगा, पार्शियली डिपेंडेंट होगा ए पे। और इसी में आता है क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जिसे हम लोग एट्रीब्यूट क्लोजर कहते हैं। तो इसमें भी पॉइंट दे रहा है कि द सेट ऑफ ऑल दोज एट्रीब्यूट विच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड फ्रॉम एन एट्रीब्यूट सेट इज कॉल्ड एज द क्लोजर ऑफ डैट एट्रीब्यूट सेट। यानी कोई भी सेट है जिसका एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसका एट्रीब्यूट हम फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हैं एट्रीब्यूट के द्वारा, सेट ऑफ एट्रीब्यूट के द्वारा, तो वही आपका क्लोजर होता है। जैसे आप पॉजिटिव क्लोजर की हम बात करें तो उसको हम लोग जो आपका कर्ली ब्रेसेस होता है उसमें ए प्लस देके हम करते हैं उसको। एग्जांपल आपके सामने एक दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, उसमें हमें फाइंड आउट करना है क्लोजर ऑफ ए सी। तो यहाँ पे क्लोजर ऑफ ए सी आपको बताया गया है किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा। क्लियर? तो ये आप इस एग्जांपल के द्वारा इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और एक टर्मोलॉजी इसमें यूज़ होती है कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो आप इस सारी चीज़ों को कर सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लिख लीजिए, ताकि चीज़ें अगर आपके पास एक कॉपी में रहेंगी ना तो थोड़ा सा बेहतर होगा आपके लिए, आप चीज़ों को समझ भी सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू।